मालिक और भरकुटी के बीच में हमें कैसे रहता है? वो तो तीनों लोगों का है ना, हर जीव जीव आत्मा जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। आप बच्चे तो ये सोचते हुए ना, ये कैसे हो गया, ये 26-27 साल का जो एक गुरु की मेरी पालना है, गुरु की साध्य में रही और बाहर बहुत कठिनाई आई, लोगों ने भी कहा इस टाइम तुम कहाँ जा रही हो, एक बल एक भरोसा और निश्चिंतता निर्भयता आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। लेकिन हम कोई दुनिया से जाए डरो मत, जो कुछ परिस्थिति है अगर मैं सही हूँ, मेरा भीतर का मजबूत है तो धन धान्य आता रहेगा, परिस्थितियाँ चेंज होती रहेंगी। सबसे पहले जीने के लिए अपना माइंड को सेट करना बहुत ज़रूरी है और हृदय में धैर्यता, भोजन कुछ भी करो हर पल जियो। माइंड हमारा क्लीन है ना तो नीति अच्छी है, व्यवहार भी अच्छा चलेगा। जो कुछ भी पत्नी ने संतुष्टता से हमें बना दिया, हमें बहुत प्रेम से और साथ भोजन करना चाहिए। और जब हम काम से लौटते हैं उसे भी कहना चाहिए और आज तुम्हारा दिन कैसे बीता, उसको एक सुकून मिलता है। क्योंकि दिन भर ना कपड़े तय करती है, बर्तन मलती है, बच्चों को सड़क जा के स्कूल भेजती है, जो तुम लाते हो बनाती है, जो तुम पैसे देते हो उसमें अपना घर गृहस्थ चलाती है। बस होली दीपावली थोड़ी डिमांड कपड़े की रहती है, ठीक है। और हम कहते हैं अभी 6 महीने पहले तो दिलाए थे महंगे, 15,000 के मत दिलाओ, 2,000 के दिलाओ, क्योंकि उसकी संतुष्ट। अगर नारी घर में संतुष्ट है ना, आपका व्यापार में बरकत, आपके माइंड में बरकत, आपके जो भोजन बनाती है उसमें माइंड। अब पत्नी चुप तो है, आपकी गुस्से को पी तो रही है, लेकिन रोटी बेलते बेलते कहती है मैंने क्या सोचा, मेरे पति ने क्या दिया, क्योंकि अपना घर सब कुछ छोड़ के हमारे पास आती है। जिधर हम उसकी वैल्यू करेंगे ना, फिर मुझे चिंता नहीं कहीं अपनी लड़की हुई, 4 लड़कियां भी होंगी मैं शादी करूँगा, चिंता नहीं है, क्योंकि जो मेरी वैल्यूबल ज़िंदगी में बेटी आई है ना किसी की लड़की, मैं उसे किस प्रकार से रख रहा हूँ, हर समय डिमांड कर रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, मैं साफ़ सुथरी हूँ तो भीतर से तब कहूँगी कि एक बिस्तर की पूर्ति के लिए नारियों का जन्म है, बर्तन मलने के लिए है, कोई तीर्थ त्यौहार होते उन्हें बाहर घुमाने के लिए लीजिए, भले एक भुट्टा खिला के लाइए उन्हें अपने सड़क किनारे, उसमें भी खुश। 5,000 की साड़ी मत दिलाए, 500 की साड़ी में खुश, क्योंकि प्रेम हमेशा देना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। और हम दूसरे से चाहते हैं, डिमांड करते हैं हमें मिले हमें मिले हमें मिले। पुष्प क्या करता है, एक छोटा सा पुष्प लगाते हैं किसी गमले में, हमें देना पड़ता है, उसे सींचते उसे देखते। प्रकृति में हम पौधे लाखों लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकृति में हम पौधा 10, 12, 51 लगाते हैं, 500 लगाते हैं, कभी दूसरे तीसरे दिन उसको देखने गए मुरझा तो नहीं गया, जड़ें तो नहीं पकड़ी। अगर भाई साहब 3 दिन हम उस पुष्प के पास चले जाएंगे ना, जो मैंने खुद पौधा लगाया है, 3 दिन केवल, फिर प्रकृति अपना मैल जो भी है सूरज खुद ही मेंटेन कर लेगी। केवल 3 दिन देखना पड़ता है, क्यों, जो व्यक्ति प्रकृति में रहेगा, महसूस पेड़ पौधे की पीड़ा करेगा, वही बोल सकता है मैं नहीं हूँ, ये मेरे जिन्होंने मुझे 7 दिन का कोर्स सिखाया उनकी कृपा है, उसके पास उस सदगुरु को समझी जो मुझे ज्ञान पिरोई में हमने इसमें बांधा, बच्चे इसमें बांधा और हृदय में एक जैसे जैसे रुद्राक्ष बिल्कुल जैसे जैसे रुद्राक्ष होता है वैसे उनको बांधो तो जीवन कैसे क्या हो जाए। क्यों, पैसा तो स्वयं कम ज़्यादा सबके पास होता है, पर हमारी जो सांसें चल रही हैं मैं कैसे व्यर्थ कर रहा हूँ, है ना, क्या भोजन कर रहा हूँ, भोजन में भी शुद्धता, यानी को मांस मछली अंडे लहसुन प्याज खाते, तो भाई जी शुक्रिया। मैं तो ये कहती हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे सदगुरु अंग संग मैसेज होता है, कोई जगह ऐसी नहीं है, शादी ब्याह में भी जाती हूँ तो मुझे एहसास होता है भीतर से, बाबा ये भोजन कर रही हूँ शुक्रिया, बाबा ये जल पी रही हूँ शुक्रिया, बाबा आज ऐसा हुआ मंडी जा रही हूँ सब्जी लाई हूँ, आज सब्जी कोई भी अपने घर की कोई भी वस्त्र भी लाती हूँ, बर्तन भी लाती हूँ बाबा के आगे, जल बाबा के आगे रख, है ना, जीवन इसी घड़ी से चेंज करना। इतनी प्रकृति आपदा आई, कोरोना आया, लाखों लोग गए, लाखों हम भी 3 दफे हमारे सदगुरु ने बता दिया हमें 3 दफे, पर ऐसा हुआ पति घूमते रहे वो चले गए, उस दिन भी कोई नहीं, एक आंसू नहीं, मेरे पति गया तो एक आंसू नहीं, दोनों बच्चों के कंधों में हाथ रखा, उनको लेके सोई, तो जाते टाइम बोले सबने जाना है तू कहाँ रहेगी, मैंने कहा इतनी बड़ी प्रकृति छोड़ गई हो, दोनों बेटे छोड़ गए हो, आज नहीं कमाने कल को कमाएंगे, तुम चिंता मत करो, तो मेरे हाथ में उनके प्राण गए,
क्योंकि अपने जाने से पहले हमें उन्होंने मजबूत कर दिया था। अगर मेरे पति का साथ नहीं मिलता, ज़्यादा विवाद करते, तू संतम ये पूजा पाठ में मत जा, 2-3 साल तक उन्होंने भी करा। उसके बाद क्या क्या कठिनाई है वो भी कहना ज़रूरी है ना, यूँ ही सब चीज़ नहीं मिल जाती। फिर बाद में समझने लग गए, फिर अंत समय में उनके जो इशारे थे सुनते बोलते नहीं थे। जहाँ मैं मना करता था तो अब 3 पहर करती रहना और माउंट आबू बहुत जल्दी जाएगी, 2 साल के अंदर माउंट आबू भी हो जाएगी, मेरे बच्चों ने भेजा मुझे, मेरे बच्चे मुझे बहुत वैल्यू करते हैं। समाज क्या कह रहा है और लोग क्या कह रहे हैं कोई मतलब, मेरा परिवार बहुत बढ़िया है, स्नेह से, प्रेम से, इज्जत से, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत ही नहीं। कोई मुझे गाली भी देगा ना, मेरे यहाँ असर नहीं होता, क्यों, उस पर जो है वही तो मुझे देगा। मेरे बारे में मैं चलन चाल चलन की कैसी हूँ मुझे पता है ना, मेरे सदगुरु को पता है, लोगों को नहीं पता। लोग चर्चाएँ कर लोग चर्चाएँ करेंगे, करने तो जो उन पर होगा वही तो बोलेंगे, पर मैं जब किसी समाधान योगी अपने धरती से मिली हूँ, अपने सदगुरु से मिली हूँ, अपने भगवती भवानी से मिली हूँ, तो मेरा सब कुछ क्योंकि नियति साफ है ना। जब नियति साफ होती है ना, प्रकृति भी साथ देती है और सदगुरु भी साथ। शुक्रिया आप लोगों का मुझे समय दिया, अच्छा लगा हमें, सत्संग हो गया। आप जुड़ो, बिल्कुल आप जुड़ो। जय हो मां प्रकृति, तूने मुझको बहुत कुछ दिया, प्रकृति तूने मुझको बहुत कुछ दिया, गुरु जो दिया मुझे ब्रह्म सा, गुरु जो दिया तूने ब्रह्म सा, मुझे ज्ञान सिखाया गुरुवाणी ने, मुझे ज्ञान सिखाया गुरुवाणी ने, जो रहती है प्रकृति में सदा, जिन्होंने ज्ञान दिया नाम है नीलम दीदी, जो सात दिशाओं से मुझको पढ़ाया, जो सात युगों की शिक्षाएं दी, ओ हे ब्रह्म बाबा मेरा ब्रह्म बाबा, एक जीवन दिया फिर मूल्यवान बनाया, एक तो जीवन दिया फिर मूल्यवान बनाया, क्या कहूँ मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया, एक तो जीवन दिया मुझे नारी का, फिर प्रकृति ने मुझे खूब सवारा, क्या कहूँ वाणी से मुझ पे बाणी नहीं, क्या कहूँ मैं वाणी से ओ वाणी नहीं, नैनों में समा के रखा है गुरु ने, नैनों में समा के रखा है गुरु ने, उस कुटिया की मधुबन की क्या तारीफ करूं, लेख राज है ना मैं गुरु का मेरे, इस लोक की ये तारीफ नहीं, मेरा जीवन सवारा है गुरुवर ने, मेरा जीवन सवारा मेरे गुरुवर ने, दो फूल दिए जगत में अनमोल बड़े, जो इतनी करते हैं देखभाल मेरी, माँ तू खुश रहे हर घड़ी कहते हैं, माँ खुश रहे हर घड़ी कहते हैं, किसी भी घड़ी में माँ
मुरझाना नहीं, किसी घड़ी में भी माँ तू मुरझाना नहीं। अपनी दौलत कमाए तेरे चरणों में माँ, जितनी दौलत कमाए धरे तेरे चरणों में धरती माँ सदगुरु। अरे वाह, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा आपका जो है जो प्रस्तुति। सतगुरु की जिंदगी है मेरी, नहीं मैं तो गांव की। सतगुरु की बहुत अच्छी बात कही आपने, सतगुरु की हम सब भी। और मैं सुनता, मैं भी सुनता हूँ माँ शिवानी जी को, ब्रह्म कुमारी है, बहुत सुंदर। माउंट आबू हो के आई हूँ। अच्छा, मेरी कुटिया का कमाल है, मैं लिखती नहीं हूँ बाबू, मेरे ऐसी कृपा है भगवान की, कहते हैं बेलिखे जहाँ तू खड़ी हो जाएगी वहीं से भजन शुरू हो जाएगा। प्रकृति का कमाल है, बहुत सुंदर। मैं बहुत मेन पेड़ पौधों से भी बाकायदा बातें करती हूँ, बहुत अच्छा लगा। देखिए ना, आपका आपने दो कन्याओं के बारे में बात करी, बहुत बड़ी बात है। आपका कहा हुआ शब्द मेरे यहाँ टच कर गया, क्योंकि प्रकृति सब कुछ जानती है ना। जी जी, बहुत अच्छा लगा हमें भी। मुझे 7 दिन मेरे पे खर्च करे और बहुत वैल्यूबल बनाया, इस लायक बनाया, उस दीदी के निरोगी काया हो, खुश सुख शांति से रहे मेरी दीदी ना। आप मेरी जज्बात समझे, आप भी प्रकृति में मालिक हो। इसमें लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा हो रहा कुछ। हाँ, अभी ऑन नहीं हुआ है ना। धन्यवाद आपको। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी ऐसा मत करना, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लोगों की परवाह मत कर ली ना। सही बात है। अब तो नहीं आ रहा है, हमारे से समाज है, समाज से हम थोड़ा है, हमसे है समाज। आप और हम सब मिलते हैं तब समाज बनता है। हम अपने समाज को देख के अगर चलोगे तब तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। समाज तो हमसे है ना, नहीं ऊर्जा हम ही अच्छे होनी है। हम समाज को देख रहे हैं या हम बहुत अच्छे हैं तो फिर हम समाज को देख रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो बाहर निकलिए, समाज को कुछ दीजिए, वो है इंसान ना। जो प्रकृति ने हमें कुछ दिया है ना उसका सदुपयोग होना। सदुपयोग आपने बहुत कुछ दे दिया इस वक्त, आपको पता ही नहीं कि आपने कितने अच्छे विचार, कितनी अच्छी वाणी दुनिया को। अभी तो भी मेरा सत्संग हो गया, देखिए कितना प्यारा सत्संग दिया ना। बहुत प्यारा।